बीबीए वालों को भी बीकॉम की तरह ही उनके लिए बन रही है, क्योंकि बीबीए वाले स्कूल सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, तो वो किसी भी स्कूल सब्जेक्ट के लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते। दैट इज़ वाई बीबीए वालों को सजेशन ये है कि वो कॉमर्स अगर ले ली है उसके बाद एमकॉम करनी पड़ेगी, फिर पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। और उनको बीबी कॉमर्स के साथ बीएड में लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। लैंग्वेज का फायदा ये है, वो हिंदी भी हो सकती है, पंजाबी भी, जो आपने कम से कम 1 साल पढ़ी है जनरल पंजाबी के तौर पर भी, जनरल इंग्लिश के तौर पर भी, हिंदी भी किसी ने अगर पढ़ी है तो। तो इनका बीए का एडिशनल पेपर देना दूसरे सब्जेक्ट से इजी है। आप बीए के साथ, बीएड के साथ ही इनका एडिशनल पेपर दे सकते हो। तीसरा, इनकी टीजीटी की पोस्ट उनसे ज़्यादा निकलती है कॉमर्स से ज़्यादा, और कॉमर्स से आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होगे और आपको एमकॉम करनी पड़ेगी। दैट इज़ वाई बीबीए वालों को भी लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहिए, वो वाली जो जिसमें आप मास्टरी है, सिलेक्शन टेस्ट के लिए मेहनत कर सकते हो, नॉलेजेबल हो, आपके एरिया में ज़्यादा आती है, क्योंकि वो आपको शुरू से पढ़ना होगा। एडिशनल पेपर भी बीए का देना होगा, प्लस सिलेक्शन टेस्ट के लिए भी अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि पोस्ट नंबर ऑफ वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। थैंक यू।